एवरीबॉडी, सब कैसे हैं यार आप सब। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो दिखाने वाला हूं अपनी क्लासिक 350 रीबोन स्टेल्थ ब्लैक जो है, जो हमने अभी न्यूली परचेज की थी। इसकी 500 के ऊपर जो सर्विस होती है, 500 किलोमीटर्स के ऊपर, वो मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं कि क्या चेंज होता है यार, क्या वो डालते हैं, क्या आप स्किप कर सकते हो और कॉस्टिंग क्या रहती है हर एक चीज़ की। तो मैं आप सभी के साथ वही सब शेयर करने वाला हूं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना जिससे कि आप सभी को एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो गाइस अपनी बाइक जो है वो सर्विस पे लग चुकी है। इसका ऑयल फिल्टर वगैरह कुछ चेंज नहीं होना, ठीक है। इसके टैपिट सेट होंगे, इसकी चेन लुब्रिकेट होगी, और उसके बाद इसके इंजन ऑयल चेंज होगा, और इसका जो एयर फिल्टर होता है वो क्लीन होगा। इसके अलावा इस बाइक में कुछ भी नहीं होना। इन्हीं सब की जो कॉस्टिंग होगी वो मैं आप सभी को दिखा दूंगा, और वो कैसे होता है वो सब तो यार मेरे अकॉर्डिंग क्या ही देखना। इसकी टंकी खोलेंगे, टंकी खोल के इसके टैपेट सेट कर देंगे, इसका ऑयल फिल्टर क्लीन कर देंगे और ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। देखिए ऑयल नीचे से निकाल भी दिया भाई। और भाई ऑयल ये वाला चेंज करवाना बहुत ज़रूरी होता है 500 किलोमीटर के ऊपर, क्योंकि अगर आप इसको टच करके देखेंगे ना और आप इसको ये करेंगे तो भाई आपको फील होगा कि हाँ लोहे के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना इसके अंदर दिखेंगे आपको, और कुछ चीज़ें गिरती हुई और ये सब भी दिखेंगी। तो जब इंजन को रमा करते हैं हम कह सकते हैं, तो जब स्टार्टिंग से चलता है तो उस टाइम पे भाई ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, और इसको चेंज करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, जिससे कि जो इसके छोटे छोटे टुकड़े हैं लोहे के वो इंजन के अंदर ही ना पहुँचते रहे और इंजन को डैमेज ना करें। इसलिए 500 के ऊपर करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑयल एकदम फ्रेश है, कुछ भी इसके अंदर ख़राब नहीं हुआ है। भाई के हाथों पे भी देख सकते हैं ऑयल फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है 500 किलोमीटर के ऊपर। इसलिए अवॉइड ना करें, करवा लें, चेंज करवाने में कुछ नहीं जाता। ओवरऑल इसकी जो कॉस्टिंग आएगी वो मैं आप सभी को दिखा दूंगा। और भाई ये अपनी बुलेट है जो कस्टमाइज मैंने करवा रखी है, आप सबको मैंने ओवरव्यू में बता दिया था, बाकी देख लेते हैं यार कैसा क्या रहने वाला है। ये मैंने इसका ऑयल फिल्टर ओपन कर दिया, और ऑयल फिल्टर चेंज होगा, क्लीन होगा, चेंज होगा सर। ऑयल फिल्टर इसका चेंज कर देंगे, और एयर फिल्टर क्लीन होगा इसका, है ना। और इंजन ऑयल इन्होंने निकाल दिया, नया इंजन ऑयल इसके अंदर डाल देंगे, लास्ट में टैपेट सेट कर देंगे, चेन को लिब्रिकेट कर देंगे, इसको धो धा के बस होगी सर्विस। अब उसकी कॉस्टिंग मैं आपको एंड में बता दूंगा कि एक्चुअल में उसकी कॉस्टिंग आती क्या है। अच्छी तरीके से सफाई से हर एक चीज़ होती है रॉयल एनफील्ड के अंदर, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा यार कि आप लोग शोरूम के अंदर ही सारी की सारी सर्विसेज वगैरह करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर तो भाई बस करके भेज देंगे ऐसे ही ना, उन वो कोई सील्स लगाते हैं, सील्स लगाते हैं अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, अदरवाइज़ वो नहीं लगाएंगे जहाँ तक मुझे अच्छे से इन चीज़ों का पता है, क्योंकि मेरे पास एक और बुलेट और वो बाहर ही सर्विस हुई है बाद में, स्टार्टिंग में वो शोरूम के अंदर हुई थी, सर्विस सेंटर के अंदर सॉरी, बाद में उसको बाहर करवाया। चल अच्छी जाती है लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभी, इसके लिए पहली बार दूसरी बार तीसरी बार जाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल आपको करवानी सर्विस सेंटर से चाहिए जहाँ तक है। ये इसका एयर फिल्टर ओपन होने लग रहा है, इसको क्लीन कर देंगे और क्लीन करके वापस से इसके अंदर लगा देंगे, दैट्स इट यार, ज़्यादा कुछ भी नहीं होता बस सर्विस के अंदर। और जो लोग जो भाई बाहर सर्विस करवाते हैं वो हर 5,000 रुपये बाहर बुलाने लग जाते हैं कि भाई हर 5,000 रुपये सर्विस करवा लेनी चाहिए, लेकिन शोरूम्स के अंदर 5,000 रुपये सिर्फ टॉपअप होता है ना कि सर्विस होती है। ये चीज़ आप सभी को पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बाहर जाते हैं आप पूरी अमाउंट देते हैं और ऑयल जो है हर बार चेंज करवाते हैं हर 5,000 रुपये, लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपये ऑयल जो है वो टॉपअप होता है ना कि चेंज होता है, क्योंकि बुलेट का जो ऑयल है वो 5,000 के अंदर कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसको जो है 10,000 के अंदर चेंज करवाना चाहिए ना कि 5,000 के अंदर, उसको अच्छे से क्लीन कर एयर फिल्टर को, हवा के प्रेशर को आप देख सकते हैं कितनी जल्दी से मिट्टी निकलती है, तो काफ़ी ज़रूरी हो जाती है इन चीज़ों को क्लीन करवा। प्रॉपर साफ सफाई से आप लोगों का हर एक काम होता है सर्विस सेंटर के अंदर, तो अगेन मेरा सजेशन रहेगा यही कि आप सर्विस सेंटर के अंदर ही काम करवाएं अपनी बाइक का, ना कि बाहर करवाएं।
ही फिल्टर डाल रहा है, प्रॉपरली इसको क्लीन करके और उसके बाद निकालेगा। क्योंकि अगर पुराना ऑयल फिर से बच रहा है तो कोई सेंस नहीं है नया फिर से यूज करने का, नया ऑयल फिल्टर या फिर नया कोई भी पार्ट, तो इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नीट एंड क्लीन काम जितना हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और अब ये फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के बाद जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाते रहूँगा। बस भाई ने अभी बोला था कि वो ये जो कैलिपर है फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों को खोल के और इसके जो ब्रेक पीरियड्स हैं वो उनको क्लीन कर दे, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा क्योंकि यार अभी नए ही हैं और अच्छे खासे चल भी रहे हैं तो इनको खोलने का कोई सेंस नहीं है। अवॉइड किया करो, जितना कम खुले बाइक उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। खोलने से कुछ नहीं है यार, ख़राबी होती हैं चीज़ें, तो अब जब खोलना मजबूरी हो जाता है तब तो यार खुलवानी पड़ेगी ऑब्वियसली, जैसे ब्रेक पैड चेंज करने हैं खुलवानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अब 500 चली अच्छे खासे ब्रेक पैड चल रहे हैं तो इसको निकाल के और इनको घिसने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप बाहर से हवा का प्रेशर लगवा सकते हो, दैट इज़ इनफ। जो है जो इंजन ऑयल है वो डालना पड़ेगा पहले, तो पहले इसके अंदर इंजन ऑयल डलेगा, मैं दिखा देता हूँ कितना डलता है और मैं एक बार जो डालेंगे इनसे पूछवा दूँगा कितना डलता है, ठीक है। और उसकी क्वालिटी देखेंगे कैसा आता है, सिंथेटिक ही आता है जहाँ तक मुझे लगता है। और ये जो इसके अंदर ऑयल फिल्टर डला है उसकी भी भाई अगर इसके अंदर देखें तो कॉस्टिंग यार कहीं लिखी तो नहीं, यहाँ पे लिखी हुई है 930 रुपये सर्विस की टाइप, वैसे पूरी 930 रुपये के इसके अंदर लिखा हुआ है। और इसी के अंदर क्या बोलते हैं वो एक चिपकाने की या फिर अंदर रबड़ जो है लगने की टाइप इट सेट करते हैं वो भी इसी में ही आती है, और ऑयल फिल्टर भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। और एयर फिल्टर जो है इसके क्लीन होते हैं, चेंज नहीं होते। और बाकी इंजन ऑयल भाई अभी डाल ही देगा, बस यही सब कुछ होता है इसके अंदर, बाकी तो कुछ अलग सा तो होता नहीं है। तो भाई जो है इसको ओपन कर रहे हैं, कितना ml डलता है भाई इसके अंदर? 1.7 ml इसके अंदर, 1.7 लीटर 1700, हाँ 1700 ml है ना इसके अंदर डलता है। ये कर दिया है ओपन। अच्छा ये जो लीड है ये जो ऊपर खुलने लग रही है जो गोल गोल, ये जो बुलेट है वो एसेसरी के उसमें भी देते हैं और ये 1000 रुपये का आता है। ये क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है और दिखने में बहुत सुंदर होता है, गोल्डन और सिल्वर कलर का होता है, आप चूज़ कर सकते हैं। मुझे वर्थ नहीं लगाया इतने पैसे फूकने से मेरे ढक्कन के ऊपर, इसलिए मैंने नहीं लगवाया। आप लोगों को अगर शौक है इस चीज़ का तो आप लोग ज़रूर लगवा सकते हैं। अब भाई इसके अंदर डाल देगा 1.7 इसके अंदर ढक्कन, सॉरी जो भी डालने का है वो, और अब इसके अंदर इंजन ऑयल डल जाएगा। ये मैनुअली इसको ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद ये कितने ml का है भाई? ये 1 लीटर, ये 1 लीटर का है इसके ऊपर, लीटर 1 लीटर का। और ये डलने के बाद 700 ml फिर से डालना पड़ेगा। सिंथेटिक होता है ये? सिंथेटिक होता है ये, सिंथेटिक नहीं होता। अब इंजन ऑयल डालने के बाद इसका जो है फाइनली टैंक ओपन करेंगे, और टैंक ओपन करने के बाद यहाँ से इसके टैपेट सेट करेंगे। दिखाऊंगा यार आपको कैसे करेंगे, बाइक खुलवाने का मन तो नहीं करता लेकिन अब चीज़ ही ऐसी बना दी कि खोलना पड़ेगा इसको। चले देखते हैं उसके अंदर और फिल किया जा रहा है, क्योंकि 1 लीटर का था इनके पास, अब इसके अंदर 700 ml और फिल होगा। चेक करके डाल रहा है भाई कि 700 ml ही डले, ज़्यादा डलना भी ख़राब है और कम डलना भी ख़राब है। 700 ml हो गया है, अब इस 700 ml को भी इंजन के अंदर फिल कर दिया जाएगा। अब भाई टैपेट सेट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, इसके लिए सीट को पहले खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही टैंक खोल सकता है। तो भाई पहले सीट खोलने लग रहे हैं और उसके बाद ही टैंक को खोलेंगे। तो भाई कुछ इस तरीके से इसका जो टैंक है ओपन हो रहा है, दो दो भाइयों को लगना पड़ रहा है क्योंकि एक तो पेट्रोल से फिल्ड भी है तो वजन तो यार वैसे ही हो ही जाता है। इसको प्रॉपर निकाल के हटा के और उसके बाद जो है इसके जो टैपेट हैं वो सेट होंगे। पहले ज़्यादा अच्छा था हाइड्रोलिक्स का, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि यार उनके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही थी इसीलिए कंपनी ने टैपेट देना ज़्यादा ठीक समझा। अभी ऊपर से खुलेगा और फिर इसके अंदर गैसकेट डलेगी फिर से लॉक होने के लिए, जैसे कोई लीकेज ना रहे और इसके टैपेट जो है वो सेट कर दिए जाएंगे। देखते हैं यार, पहली बार हो रहा है भाई। आप सब लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो टैपेट सेट किए जाते हैं, यहाँ पे आप देख लो आज
जैसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आप अच्छे में देखा था कभी ये सेट करवाए तब? इसका तरीका अलग है, उसका अलग है यार। हर किसी टेक्नीशियन का भी तरीका अलग होता है, सब अपने हिसाब से करते हैं, तो ठीक भी है। और पता नहीं मुझे कैसा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सही से किया है भी है या नहीं। वही ऑन फाइनल स्टेज हमारी जो बाइक है वो वॉशिंग पे लग चुकी है, ठीक है। अब इसकी वॉशिंग हो रही है और वॉशिंग के बाद भाई बिल बनवा बनवो के आप सबको बता के कि क्या चार्जेज आए और फिर निकलते हैं। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं यार, फाइनल बिल ये निकल के आ गया है। 1811 रुपये हम इनको दे के आए हैं, 1811 रुपये का फाइनल बिल है, ठीक। और हम इसके अंदर क्या क्या है, ये सेमी सिंथेटिक भाई ऑयल है और इसके अंदर सर्विस किट है, और उसके बाद ये 140 रुपीज़ का जो साइड का हुक हमने डलवाया है बाइक के अंदर, वो 140 रुपीज़ का हुक है। तो भाई 1811 रुपये बनते हैं इसके हिसाब से, और हम दे के आए हैं। वैसे जो बिल है ये 1871 रुपये का बनना था, 1871 का, लेकिन हमने इसके अंदर से जो लुब्रिकेशन थी वो सब हटा दिया था, तो 200 रुपये उसके बच गए थे। 1671 रुपये का बिल बनना था 1671 का, लेकिन हमने 140 रुपीज़ का एड ऑन करवाया, वो जो हुक हमें डलवाना था, तो उसकी वजह से हमारा जो बिल है ये 1811 रुपये का फाइनल बिल बना है। तो भाई इसी के साथ वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी है तो, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं ऐसे ही और किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू PDNY फैक्टर। जय हिंद, जय भारत।